बारहवीं की अर्थशास्त्री क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज अर्थशास्त्र में अपन सकल घरेलू उत्पादन पढ़ा, सकल घरेलू उत्पादन की विशेषताएं पढ़ी और उसके बाद सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की आज अपन तो अभी तक सकल घरेलू उत्पादन के बारे में, आज अपन उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता मतलब जो मनुष्य होता है उसकी आवश्यकता है, उपयोगिता जिस वस्तुओं की उपयोगिता होती है उनको उपयोग करने के लिए अपन वस्तुओं क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो हम मतलब जो हमारी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की संतुष्टि के लिए हम वस्तुओं क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो यहाँ दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या पूर्ति करते हैं या हमें क्या करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगर हमें दो रोटी की भूख लगी है तो हमें क्या है, हम किसी मतलब वस्तु का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे तो वो हमें क्या देगा, संतुष्टि देगा, तो उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु की उपयोगिता कहेंगे। तो अर्थशास्त्र की भाषा में जिस गुण में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बाघ ने एक परिभाषा दी है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता होती है। तो जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वे कैसी है, असीमित है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपयोगिता जब हमें किसी चीज वस्तु की उपयोगिता जब मानव हम उसको उपभोग करेंगे, हमें जो वस्तु चाहिए उपयोगी वस्तु का जब हम उपभोग करेंगे और जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी और हमारी आवश्यकता पूरी होगी उसे क्या कहेंगे, मानव मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु का उपयोग करने पर संतुष्टि प्राप्त। इसी प्रकार उपयोगिता की विशेषताएं हो गई। उपयोगिता क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। तो उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हो गई, पहला हो गया उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। तो उपयोगिता व्यक्ति के संबंधित होती है, जैसे एक वस्तु हो गई एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है। जो मान लीजिए एक विद्यार्थी है उसको पढ़ने के लिए काय की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की उपयोग वस्तु की उपयोगिता मतलब अभी क्या होगी, कॉपी बुक या कॉपीज, तो उसकी आवश्यकता के लिए वो उपयोगी वस्तु क्या हुई, पढ़ने के लिए सामग्री जो होगी वो उसकी उपयोगिता होगी। तो एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे के लिए इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु उपयोगिता मतलब इसके अतिरिक्त भी अलग अलग सबकी आवश्यकताएं होती है। तो एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग उनकी आवश्यकताएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। दूसरा हो गया उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारण है। उपयोगिता भावनात्मक रूप से कैसी होती है, अनुभव, उनको अनुभव किया जा सकता है। जो हमारी आवश्यकता है हम अनुभव करेंगे, जैसे आपकी आवश्यकता है आप अनुभव करोगे। तो मनुष्य की जो उपयोगिता होती है वह मनोवैज्ञानिक होती है और वह अलग अलग ढंग से उसको क्या करेंगे, सोचेंगे। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता और मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपकी उपयोगिता क्या होगी, अभी खाना, तो ये आपकी मानसिकता पर क्या करता है, निर्भर करता है कि आपको भूख लगी। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। जो उपयोगिता होती है वह आवश्यकता की तीव्रता। मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगी या आपको बहुत जोर से प्यास लगी तो आपके लिए आवश्यक क्या है, पानी। तो आपकी तीव्रता काय पर बढ़ेगी, पानी की ओर, कि हमें पानी मिल जाए। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए उपयोगिता की तीव्रता इच्छा या इच्छा भी कह सकते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं है वह तीव्रता मतलब अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन आवश्यक है, हो सकता है परंतु संतृप्त रूप से भोजन कर चुका है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आपको जैसे आपकी तीव्र इच्छा हुई कि हमें ये खाना है और आपको प्राप्त हो गया तो आप उससे क्या हो गए,
संतुष्ट हो गए और उसकी आवश्यकता क्या हो गई, वो आवश्यकता से संतृप्त हो गया या उसका परिपूर्ण हो गया। फिर उपयोगिता के प्रमुख तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं उपयोगिता के? तीन। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता मतलब वस्तु उपभोक्ता, तीन प्रकार की होती। तो पहले हो गया कुल उपयोगिता, जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इच्छाओं से प्राप्त उपयोगिता को संपूर्ण योग्य हो। क्या कहते हैं कुल उपयोगिता? मतलब कोई वस्तु है उसकी अलग अलग सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसके संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। फिर है औसत उपयोगिता, इसका उपभोग की जाने वाली वस्तु में कुल उपयोगिता की वस्तु की कुल इकाई की संख्या का, मतलब जो अपन ने कुल उपयोगिता वस्तु की कुल उपयोगिता अपन की प्राप्त हुई उससे कुल इकाई की संख्या पर भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? औसत उपयोगिता कहते हैं। फिर है सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अपन ने मतलब कोई वस्तु का उपयोग किया और उस वस्तु के उपयोग के बाद आपको जो अतिरिक्त इकाई में उपभोग प्राप्त हुआ तो उसे अतिरिक्त उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। फिर सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व, तो पहला है वस्तु की मात्रा। व्यक्ति के पास वस्तु अधिक मात्रा में है उससे क्या प्राप्त होगी? उसे सीमांत उपयोगिता कम तथा वस्तु कम मात्रा में है तो वस्तु को वस्तु की जो होगी वो क्या होगी? सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? अधिक होती है। फिर है उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद, तो ये क्या है? दुर्लभ और अपव्यय वस्तु को संग्रह पर लागू होता है, तो ये उपयोगिता ह्रास नियम है जो काय पर लागू होता है? दुर्लभ अपव्यय वस्तु के संग्रह पर लागू होता है। दूसरा, मादक पदार्थों के उपभोग पर इस नियम का लागू ना होना, तो मादक पदार्थ है तो उसका ये नियम मतलब जो उपयोगिता ह्रास नियम है उस पर लागू नहीं होता। तीसरा होता है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों पर लागू ना होना, तो ये उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? अपवाद। तो दुर्लभ अपव्यय वस्तु के संग्रह में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा इकाइयों अधिक से अधिक उपयोगिता का अनुभव होता है। और फिर मादक पदार्थों का उपयोग इस नियम में लागू नहीं होता है। कोई व्यक्ति है वह शराब का उपभोग करता है तो उसे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती जाती है। उसके बाद एक नए मतलब उसको पीने की इच्छा क्या होती है? तो ये बढ़ती जाती है। तो ये मादक पदार्थ है जो इस नियम पर लागू नहीं होता। दूसरा है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों पर लागू ना होना। यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई अत्यंत छोटी हो और लगातार इकाइयों के व्यवहार में उपयोगिता अधिक मिलेगी, जैसे किसी प्यासे को आप अगर किसी को प्यास लगी आप एक चम्मच पानी दिया तो ऐसी स्थिति में दूसरे या तीसरे चम्मच से प्यासे को प्राप्त होने वाली उपयोगिता कमसा कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगर आपको प्यास लगी और आपको एक कप पानी दी जाए तो उसकी उपयोगिता कैसी होगी? कमसा कैसी हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद है मांग के नियम का आधार। मांग के नियम का क्या आधार होता है? यह नियम मांग वक्र दाएं और बाएं ओर कैसा होता है? झुका होता है। मतलब जो वक्र होता है मांग का नियम का वक्र बाएं से दाएं की ओर कैसा होगा? झुका होगा। जैसे व्यक्ति वस्तु की अधिकाधिक उपयोग करता है वैसे वैसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कैसी होती है? कम हो जाती है। अगर किसी वस्तु का उपयोग बार बार हमें कोई वस्तु है और हमें उसकी आवश्यकता है और हम उसका उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोग करने के बाद उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर उपभोक्ता के बजट का महत्व, तो यह नियम यह बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के बिंदु पर तक क्रय करता है जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? मूल्य के बराबर होती है। फिर सम
सीमा उपयोगिता नियम का आधार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकाधिक संतुष्टि चाहता है, मतलब जो व्यक्ति है उसकी आय, व्यक्ति की आय कैसी होती है? सीमित होती है, पर वह सीमित आय में अधिक से अधिक हर चीज की, मतलब हर वस्तु की वह क्या चाहता है, हर व्यक्ति हर वस्तु को पाना। तो इसके लिए मैं क्या करेगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या लेगा, सहायता ली जाती है। और सम सीमांत उपयोगिता नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। इसके बाद में सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रमुख दोष क्या है? अगर सीमांत उपयोगिता हास नियम के में क्या दोष है, तो उपयोगिता का मापना कठिन होता है। जो आपकी कोई भी वस्तु की उपयोगिता कैसे की, ये मापना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि आलोचना के अनुसार सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत उपयोगिता को मानवीय माना जाता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता मानसिक स्थिति पर आभास है, जिसका मापना क्या होता है, कठिन होता है। फिर है व्यक्तिगत विचारों और विवेक पर अधिक महत्व। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्यक्तिगत विचारों को आर्थिक महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति सदैव विवेक से कार्य नहीं करता, बल्कि उसमें सामाजिक रीति रिवाज, फैशन, मन, उपभोग के बहाव में वस्तु खरीदता है और उसका उपभोग करता है। तो जो व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारों पर एवं विवेक, तो व्यक्ति की आवश्यकताएं व्यक्ति विचारों से अधिक महत्व दिया जाता है। फिर उपयोगिता पूरक, जो उपयोगिता एवं स्थापन वस्तुओं पर क्या करती है, उपयोगिता क्या करती है, निर्भर होती है। उपयोगिता वस्तुओं की मात्रा अतिरिक्त पूरक स्थापन वस्तुओं पर क्या करती है, निर्भर करती है, और इसके प्रभाव को भी, इसके नियम भी जो, लेकिन इसके प्रभाव की अपेक्षा करता है। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, स्थिर नहीं होती, इसके अनुसार सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। फिर आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि की संभावना, आवश्यकताएं कैसी होती है, विशेष पूर्ण संतुष्टि की मान्यता गलत है, वो की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती, और यह नियम सूक्ष्मता पर प्रधान है। जो सीमांत उपयोगिता नियम है, हास नियम है, वह क्या है, सूक्ष्मता प्रधान है, क्योंकि इसमें व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोगिता का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये सीमांत हास नियम क्या हो गए, मुख्य दोष हो गए। फिर है सीमांत उपयोगिता एवं पूर्ण उपयोगिता में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसका आशय देखेंगे। सबसे पहले उपभोग की गई इकाई के, तब कोई वस्तु का अपन उपभोग करते हैं, तो उसकी इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब अपन किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो वो धीरे धीरे उस इकाई, उस वस्तु की उपयोगिता क्या होगी, मतलब कम होती जाएगी, और उसकी जो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता मतलब उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। फिर उपयोगिता कम या अधिक हो, तो वस्तु का उपभोग बढ़ने से, किसी वस्तु का अपन बार बार उसका उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर कोई वस्तु है, अपन उसका बार बार उपभोग करते हैं, उसका उपभोग बढ़ने लगता है, तो उसमें क्या होता है, सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, कम हो जाती है। और वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। वस्तु का उपभोग बढ़ेगा तो उपयोगिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर मूल्य का निर्धारण, सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। पूर्ण संतुष्टि बिंदु में सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, शून्य हो जाती है। अब जो भी कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, तो जो वस्तु की उपयोगिता है, कैसी उपयोगिता कैसी हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। लेकिन कुल उपयोगिता में पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। तो यह बनने सीमांत उपयोगिता और
कुल उपयोगिता में अंतर है। आज अपन ने उपयोगिता के बारे में पढ़ा, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषताएं और हाँ उपयोगिता हास नियम, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर देखा। धन्यवाद बच्चों, आपको ये आपको पढ़ना है और याद करना है।